कराची में चीनी कौंसिल खाने पर हमले के पीछे भारतीय साजिश बेनकाब। मास्टरमाइंड कलम बीएलए कमांडर असलम अच्छू निकला। अस्करी हुकाम के मुताबिक असलम अच्छू नई दिल्ली में जेरे इलाज है। हमले की साजिश भारत में तैयार की गई। मारे गए तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल रजाक, रईस बलोच और अजल खान के नाम से कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगज़ई में दहशतगर्दी। कलाया बाजार में धमाके से 31 अफराद जान बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों में 3 सिख ताजर और 3 बच्चे भी शामिल। शदीद जख्मी कोहाट और पिशावर के अस्पतालों में जेरे इलाज। 10 अफराद की नमाज जनाजा कलाया हेडक्वार्टर में अदा। दहशतगर्द अंजाम के करीब। आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीख कर दी। 22 दहशतगर्दों को कैद की सजा की भी तौसीख। दहशतगर्द सिक्योरिटी अहलकारों समेत 26 अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे। खसूसी फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई थी। और कराची में तजावुजात के खिलाफ KMC का ऑपरेशन जारी। बंच रोड से दुकानों के छज्जे और चबूतरे तोड़ दिए गए। KDA भी इन एक्शन। नेशनल स्टेडियम के करीब कायम गैर कानूनी शादी हॉल में मिसमार कर दिया गया।